हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स में जो न्यू नोटिफिकेशन का नोटिस आउट हो चुका है। कल यानी कि 24 मई को ही नोटिस जारी कर दिया गया है ऑफिशियल इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर। तो ये नोटिस आउट हो चुके हैं वो AFCET 2 2021 की नोटिफिकेशन के बारे में है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि इस नोटिफिकेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या होने वाला है और एप्लीकेशन फ़ी कितनी होगी, और अगर आप एलिजिबल है तो कब से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो गाइज, इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी आपको मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी और आप इस ऑफिशियल नोटिस को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट्स के लिए। तो गाइज़, ये जो न्यू नोटिफिकेशन की नोटिस जारी हुई है ये AFCET 2 2021 की नोटिफिकेशन के लिए है। यानी कि जो पोस्ट होती है AFCET एंट्री में वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए होती है और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए होती है। उसी के साथ NCC की स्पेशल एंट्री होती है और मेट्रोलॉजिकल एंट्री भी होती है। तो गाइज, इस जो भी पोस्ट होती है, वैकेंसीज होती है, इसमें इंडियन मेल्स और उसी के साथ फीमेल्स भी फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होती है। अगर उन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट है उसका और एलिजिबल है तो फीमेल्स और मेल्स दोनों ही फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो गाइज़, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है AFCET एंट्री में, जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मतलब आपने अगर बैचलर डिग्री कर रखी है इन एनी स्ट्रीम लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ आपने 12th किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने BE कंप्लीट किया है, BTEC का कोर्स किया है तो आप फ्लाइंग ब्रांच में से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसी के साथ ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में आपको दो फैकल्टीज़ देखने को मिलेगी। एक होते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स में जो होता है वो इंटरमीडिएट मिनिमम 60% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ, यानी कि आपका जो 12th हुआ है वो 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी आपको मिनिमम 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए। और उसी के साथ आपने अगर मिनिमम 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने इंटीग्रेटेड PG डिग्री ले रखी है इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में, तो आप ग्राउंड ड्यूटी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल में भी सेम ही है, सिर्फ आपको 60% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स और मैथ्स में इन 12th लेवल में, और 4 ईयर के इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए टेक्नोलॉजी या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री में आपने आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए ब्रांचेस होती है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक होता है और अकाउंट्स होता है, और मिनिमम एजुकेशन भी आपको देखने को मिलता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक में होता है वो बैचलर डिग्री इन दिस स्ट्रीम, यानी कि अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक में बैचलर डिग्री ले रखी है मिनिमम 60% के मार्क्स के साथ, और फिजिकल एलिजिबिलिटी जो होती है हाइट ऑफ मेल तो 157.5 सेंटीमीटर्स होता है, और फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए मिनिमम वो 152 सेंटीमीटर्स की होनी चाहिए। और अकाउंट्स में जो होता है बैचलर डिग्री आपने कॉमर्स में, BCom में विथ लिस्ट मिनिमम 60% मार्क्स के साथ ले रखी होनी चाहिए, और फिजिकल एलिजिबिलिटी जो होती है वो सेम ही होती है अकाउंट्स में भी। और एजुकेशन, अगर आपने ये दोनों अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री नहीं ले रखी तो एजुकेशनल, अगर आपने MBA किया है, MCA किया है या फिर MA या फिर MSc डिग्री विथ एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं एजुकेशनल में फ्रॉम नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी के फॉर्म के लिए। तो गाइज, इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है वो हाइट मेल के लिए होती है 157.5 सेंटीमीटर्स और फीमेल के लिए होते हैं 152 सेंटीमीटर्स। उसी के साथ मेट्रोलॉजिकल एंट्री में जो होता है मास्टर्स डिग्री आपने मेट्रोलॉजिकल स्ट्रीम में की रखी होनी चाहिए, और NCC स्पेशल एंट्री में जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए होता है उसमें आपने NCC एयर विंग सीनियर डिवीजन का C सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या फिर अदर डिटेल्स एज पर फ्लाइंग ब्रांच की एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपके होने चाहिए। तो गाइज, अगर आपने एलिजिबिलिटी में से किसी भी एक क्राइटेरिया में आप फिल कर सकते हैं या फिर फिलअप कर सकते हैं अपना फॉर्म अगर आप इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं तो। तो गाइज, जो एज लिमिट होने वाला है फ्लाइंग ब्रांच के लिए वो 20 to 24 ईयर्स का होने वाला है। यानी कि अगर आपकी एज 20 ईयर्स से लेकर 24 ईयर्स के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं एज अ फ्लाइंग ब्रांच में। तो जो नेक्स्ट होता है वो है ग्राउंड ड्यूटी। तो ग्राउंड ड्यूटी में भी आप
का जो एज है वो 20 to 26 ईयर्स तक होना चाहिए, यानी कि बॉर्न बिटवीन 2 July 1996 to 1 July 2002। तो गाइज एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सिर्फ और सिर्फ AFCET की एंट्री के लिए ही लागू होते हैं, यानी कि AFCET में जो फ्लाइंग ब्रांच होती है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल होता है और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के ब्रांच के लिए वैकेंसीज निकलती है, तो उसी के लिए आपको फॉर्म, अगर आप उसी में अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको उस एंट्री के लिए 250 रुपीज़ की फ़ी मतलब पेमेंट मोड जो होता है वो ऑनलाइन तरीके से आपको देना पड़ेगा एयरफोर्स को। इसका नोटिस जारी हो चुका है 24 मई को और 1 June से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होने वाला है और उसी के साथ जो डेट भी स्टार्ट होने वाला है एप्लीकेशन को फिलअप करने के लिए, सबमिट करने के लिए अपने अपने एप्लीकेशन। अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है तो आप 1 June से ही फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो गाइज़ ये था AFCET के जो न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, मतलब इंडियन एयरफोर्स ने नोटिस जारी कर दिया है उसके बारे में। अगर मतलब जब भी इसका न्यू ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तो हम हमारे चैनल पर आपको नोटिफाई कर देंगे। उसी के साथ हम आपको जो ऑफिशियल नोटिस होता है, कैसा फॉर्म फिलअप करते हैं, कहाँ से करना पड़ेगा, उस सभी के बारे में भी बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर प्लीज़ न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के इस वीडियो में इतना ही था गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू। पूछा गया था x² / yz, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाका, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।